Sure. Yours? No, Sultan Five. Sultans? आप तो बहुत डिटेल में आ गए। क्यों नहीं सही नहीं? हाँ भैया, अगर ऐसा बबे लगा के हम बेचें तो कितने में बेचेगा? उसके लिए तो आपको तो 20,000 का जाएगा। 20,000 इसमें तो पागल हो? 20,000? अच्छा, पब्लिक के लिए? हाँ, वो तो क्लास की पब्लिक हो, तो कचरा पार्टी का है। कचरा तो आएगी नहीं, कम से कम नहीं समझ। Hey, take your uncle picture. Take it my picture, man. इधर गदम भाई के फ्रूट के साथ। Take his picture with the fruits. Hey, you don't take the picture of the lights at the back. Wait, take it my picture. उसमें तो तस्वीर भी खींचते हैं ना? सुबह इसके साथ वो मेरे। Thank you.
ये क्या था पकौड़ा नहीं ये वेजिटेबल ब्रेकफास्ट क्या आज सुबह से बैठो ब्रेकफास्ट सब कुछ हो जाएगा ठीक है
इधर है एम टी क्यू है कदम भाई आपकी मंचूरियन किसी को भी पसंद नहीं आई है यहाँ तक उनको भी नहीं उन्होंने भी प्लेट ऐसी वापस कर दी कदम भाई प्लेट आ रही है आपकी अभी कहाँ अभी तो बाकी है 20 साल पुरानी यादें ताश फौजी आजाद आप सबको बहुत बहुत सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम तो बोले दूल्हा दुल्हन आ गए वो आपके सामने प्लीज गिव अ बिग हैंड 20th एनिवर्सरी राजा भाई एंड दादा आज की शाम हम लोग जो है वो इट्स गोना बी ऐसा फैमिली एटमॉस्फेयर होगा मजाक होंगे थोड़े से लतीफे होंगे थोड़ी सी बातें होंगी यहाँ पे बस एक चीज बता दूं कि आज अपने माइंड को क्लियर कीजिएगा कोई किसी किस्म का माइंड नहीं करे इट्स गोना बी जस्ट अ जोक और आइए इस इवनिंग को आगे बढ़ाते हैं हमारे आज जो आर्टिस्ट हमने बुलाए हैं ह्यूस्टन से आए हैं काफी प्यारी आवाज है एक खातून ने कहा कि ये दूल्हा ये है तो वो खातून परेशान हुई कह रही हम तो नाजुक भाई की सरप्राइज पार्टी में आए थे फौरन बच्चे को बोली बेटे टाइम पे आ गए फाइनल प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज और ये भी बताना चलो कि ये मेरे दूसरे बहन भाई हैं बहन सीमा के शोहर हमारे दिल अजीज सैफुल्ला प्लीज गिव अ बिग अप्लॉज Thank you.
मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है डॉलर शॉलर पे आइए। तो बंदा आता जाता हमारे घर में आहिस्ता आहिस्ता उनका उठना बैठना शुरू हुआ। तो जब थोड़ा सा क्लोज आ गया उसके बाद जाते हुए की क्या कैफियत होती है मुलाजा भाई। Thank you.
मामानी मामू सबसे राइट में पंखे के पास मैं हूँ, कैन यू बिलीव दैट? नो. सबसे आगे हमारा भाई, हमारी नानी सब फ्रंट में बैठी है, मेरी कजन से मामूजान बहने हैं. इसमें गजाला जो है वो टैडी के बराबर में, उस जमाने में हम लोगों का डकैत का हम लोग डाकू वाकू हुआ करते थे. देखे हमारे पंखे कैसे बाल है. बराबर में अरशद दादी, ये गजाला हम लोग घाना में थे, सेवेंटी का टाइम था. सबसे आगे सीमा है, बराबर में अरशद और उसके पीछे गजाला खड़ी हुई है. ये घाना है अफ्रीका, वी वर इन वेस्ट अफ्रीका. नो रियली वी वर इन वेस्ट अफ्रीका. ये गजाला है. या उस माशाल्लाह फाल देखे कितने अच्छे हैं, ब्यूटीफुल. हाँ या हाँ, तभी तो गाना गा रहे थे नादिर भाई इतना. आप समझ में आया आप लोगों के? ये वाओ. उस जमाने में ये गजालें शायद मैट्रिक में थी. जब नादिर भाई ने गाना गाया था, मैं है महबूब मेरे, मैं है महबूब मेरे, कुछ दिन चिट्ठी नहीं आई थी तो ये माइयों के दिन गजाला. हम लोग उस वक्त अभी भी एथेंस में थे, ये शादी हुई. ये देखे अपनी आंखें, अरे भाई आगे देख लो, फोटो खींच रही है. नहीं मैं तो इनू ही देखूंगा. फिर देखे जिंदगी में रंग आ गया. हाँ भी उस जमाने में कैसे बड़े बड़े थे ये नादिर भाई. बहुत प्यारी तस्वीर है ये. हाँ ये देखे रंग आ रहा है. देखे एक डॉलर निकले ना जेब से. ये देखे आजकल वैसे हम लोग ये हार बकरे वगैरह को डालते नहीं. शादी के दिन दूल्हा बेचारा बकरा ही होता है. ये देखे माशाल्लाह ये महविश पीछे, ये हमारे डैडी सीमा बराबर में लेफ्ट पे, महविश और नाजिश है ना पीछे. ये मेरा ख्याल से अमेरिका आ चुके हैं आई बिलीव. या फौरन फ्लाई करके आगे कहीं ऐसा ना रख ले. ये कैडलैक ली थी उन्होंने उधार, आई मीन इनकी अपनी थी. ये कैडलैक बहुत, इसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू है. इसमें मैं भी गया था, इमिग्रेशन वालों ने पकड़ लिया था कसम से. ये देखे नादिर, ये अब आपको पता चला नादिर भाई ने ग्रीन कार्ड किस तरह हासिल किया था. ये वही है जिससे ग्रीन कार्ड लिया था मैंने. उसके बाद ये टिक्की ले गए थे कश्यप गोद में माशाल्लाह से. मैं आ चुका था 1984 में. ये सना है. अब दौर देखे ना, बाल जू जू जा रहे हैं, दौर जो है ना आगे बढ़ता जा रहा है. आप इससे अंदाजा लगाइए. देखे सैंडो खान. ये मेरे ख्याल न्यू जर्सी में पार्क है आई बिलीव. बहरहाल पिकनिक मनाने ये मुझे स्टोर पे छोड़ के जाते थे. पहले तुम काम करो, हम अभी आते हैं, हमारा काम है बहुत जरूरी. ये पिकनिक मन रही थी साला जो है लगा हुआ 80 घंटे. ये कश्यप, ये ब्रुकलिन का हम लोगों का अपार्टमेंट था. बहुत प्यारी मेमोरीज है वहां पे, हमने बहुत खूबसूरत टाइम गुजारा वहां पे. ये फिरोज तुम्हें याद है कमरा. ये अनम, मेरे ख्याल से हम लोग कोकोनोस गए थे यहाँ पे. अनम चेंज नहीं हुई ज्यादा. ये सना, इस वक्त ये पार्लिन में आ चुके, पार्लिन वाला घर है ये. न्यूजर्सी में आ चुके थे, न्यूयॉर्क को खैरबाद कह दिया था. उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पलटन इतनी सारी जमा हुई. आप देखें ये नादिर भाई, कश्यप गोद में, अनम, एक दिन मेरा शाहनवाज होगा.
असल से उस दिन से एक आदत होने किसने सोचा था आज ये तस्वीर हम लोग बैठ के देखेंगे। ये देखें दादी मैं, ये गाना, ये वो हॉलैंड गए थे, वो सिलसिले की शूटिंग के बाद जो है ना, इनके बाद इनको आगे किया था उन्होंने। अमिताभ थोड़ा साइड में चला गया था। ये फराज कहते तो ये है कि ये नादिर भाई और गजालत से ज्यादा मेरा बेटा लगता है, और वाकई में हकीकत है। ये अनम, इसकी नाक बहती थी। ये आगे डिजाइन नहीं है, बिप उन्होंने बनाया गजाल ने, खास तौर पर स्टाइलिश बिप। नाक बहती थी, मतलब कुछ तो इज्जत रख ले रहा है। ये पता नहीं कौन बच्चा है यार ये। ओ फराज, ये देखें अनम, ये देखें, दादी ने ये गरारा भेजा था। उस जमाने में चीजें बड़ी आती थी, ये लोग सब जहां से आ गए ना, कोई किसी को कुछ नहीं देता। पाकिस्तान से बड़ी चीजें आती थी। ये सना, ये सोफा भी काफी रोटेट हुआ है, कई घरों में देखा मैंने। तो इसकी बड़ी हिस्टोरिकल वैल्यू, कौन सा ऐसा बंदा नहीं है सिवाय नए लोगों के आवे जिसने इसमें स्विमिंग ना की हो। कश्यप पीछे आ रही है, नेकर उतारना भूल गया था। हाँ, नेकर उतारना भूल गया था, एक्साइटेड बहुत है। ये देखिए सुपरमैन फराज, ये फराज ही है, ये फराज है भाई। ये नीचे जो है गजाला लेटी हुई है। ये देखें बाहर कॉफी पी जा रही है, इनको मालूम नहीं था कि देर पे खड़ा करना है बेगम ने बाद में। ये समझ रहे हैं कि लाइफ यही है। ये देखें शुरू हो चुका था सिलसिला, बैक यार्ड से गजाला ने शुरू किया, पहले पत्ते उठाया, उसके बाद चावलों को देखेंगे। ये देखे फराज कह रहे अभी अभी व्हाट आर यू डूइंग। ये कश्यप, ये पार्लिन वाला घर है, अभी भी पार्लिन में अनम की तस्वीर पीछे लगी हुई है, बहुत शौक था इसको इस तरह की तस्वीर खिंचवाने का, अभी भी है। ये देखे पहला बिजनेस लिया उन्होंने, एक्सॉन गैस स्टेशन, सूट आ गया फौरन। ये देखिए नए नए बच्चों को कपड़े दिलाने लेके गए, उनको मालूम नहीं सिर्फ 30% लेना था, वो पूरी शहर वो ले आए टेल उठा के। ये देखें ये पोकरोस नहीं है, ये उनका बैक यार्ड है, बड़ी स्नो हुई थी एक जमाने में। ये देखें ये मेरा ख्याल से कहीं ये हम लोग को छोड़ के गए थे बहाना करके कि हम लोग यहीं कहीं जा रहे हैं, और हम लोग इंतजार ही करते रहे लोगों का, वापिस आके तस्वीरें दिखाई हमें। ये देखें नादिर भाई उस जमाने में साइड में बिजनेस करते थे, डकैत आके डालने का, ब्रुकलिन में इनका गैंग था, ब्रुकलिन के गैंग में भी थे। ये देखें थोड़ा गैंग से निकलना शुरू किया, उन्होंने दाढ़ी वाड़ी थोड़ी देर खतमत बनाया, देखें खुद अच्छे लग रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों ने कहा प्लीज डैड स्टॉप दिस नाउ। ये देखें तोते, कश्यप जू में काम करता था उस जमाने में, पार्ट टाइम, हालात बहुत खराब थे। हाँ अनम को तो बेचारे को कुछ खाने को नहीं मिलता था। देखें ये लोग जैसे पहले गए वहां पे शो, वहां पे डील निकली थी 199 फॉर द फैमिली, उन्होंने कहा दो खिंचवा लेते हैं, एक की क्या जरूरत है। देखें रनवे तैयार होना शुरू हो चुका है, एंड सो दिस कम्स विद ऑल द थैंक्स एंड लव। इस स्लाइड शूट को द पर्सन दैट पुट टुगेदर वाज रेशम, रेशम जो है वो अगर आप लोग नहीं जानते हैं सोबिया समीर एंड द वेडिंग गुरुज, सो रेशम पुट दिस टुगेदर, प्लीज गिव रेशम ए वेरी बिग हैंड, थैंक यू। Please turn the lights. हमारे तारिक भाई के लिए भी बहुत सारी तालियां, जबरदस्त कैमरा लेके आए।
ऐसे आज कितने हल कर लेते हैं यार मैं कस्टम वाली गाले में आप ही गाले गए थे जब तक मुन्ने भाई सोचते हैं इनकी एलियस से मिलते हैं माशाल्लाह इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस खानदान में बड़ी हिम्मत वाली है ये मैंने ऐसी हिम्मत वाली बंदी देखी नहीं है राबिया इनका नाम है आइए इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं प्लीज राबिया आप जरा कुछ बताएं इन लोगों के बारे में यहाँ थोड़ा नहीं ये तो बताने वाली क्या बात है शादी पे ही देखा था हमने मना किया ऐसी कोई बात नहीं थी बहुत अच्छी गई फैमिली पसंद आई थी आपकी जी हमारे कोई फैमिली क्या रही है यानी भाभी हमारी इतनी अच्छी है माशाल्लाह बाकी माशाल्लाह बहुत बड़ी फैमिली है यहाँ पे बता चलो कि आंटी को आना था ये नाजु भाई की अम्मी हम सोचे बैठे थे कि वो जरूर आएंगे लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो सर्दी को देखते हुए मुनासिब यही समझा कि वो घर में आराम करें वरना उनका आने का प्रोग्राम पूरा पूरा था आइए फिरोज की तरफ चलते हैं इनके साथ बड़ी मेमोरीज है फिरोज के बारे में बता दो जुनू जब ये सबसे पहले तो मैं आया था अमेरिका उसके बाद फिर आहिस्ता सिलसिला आना शुरू हुआ जाहिर सी बात है भाई सारी खुदाई एक तरफ जोरू का भाई एक तरफ पहले आएगा भाई भाई तो नहीं आ सकते पहले जोरू का भाई आएगा तो मतलब भाई फैक्ट है भाई फैक्ट है जी गुलशन भाई जान अब तो हमारी सार वही बड़ी गुलशन भाई बड़े गले वाले मिल रहे हैं आजकल हाँ असल में अभी वाजपेयी वगैरह आए थे ना पाकिस्तान में तो उनसे वो तो बड़े नाराज थे कहने लगे कि मैं तो किसी किस्म की बातचीत करूंगा ही तो मुशर्रफ ने कहा ओए जमाली को बुलाओ जमाली आया कहले इसके ऊपर बैठ जाओ कहले नहीं मैं बातचीत करूंगा फौरन चेंज कर दिया उन्होंने तो फिरोज के बारे में ये कि हम ये एक कमरा होता था एक बेड हम लोग शेयर करते हैं रात के नाइट में कर रहा हूँ दिन में ये कर रहा है और एक ही बेड होता था अच्छा क्रिकेट देखने का और सुनने का जो है ना फिरोज को बहुत शौक था आप यकीन मानिए उस जमाने में क्या तोता चलता था भाई साहब पूरे पूरे मैच हमने फोन पे सुने जिसमें सबसे ज्यादा फायदा हमारे भाई फिरोज ने उठाया
फिरोज उन जमाने के जो खूबसूरत लम्हे हैं और यकीन वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे जो कि यादगार बन के रह गए उनके बारे में थोड़ी और सुझा दो, इनके बारे में आपको बताऊंगा बिल्कुल। इनके साथ जो हमारे वहाँ वक्त गुजरा अपार्टमेंट में, ये ब्रुकलिन के अपार्टमेंट के साथ पढ़ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको और जरा पीछे लेके चलता हूँ, अगर आप हो सकता है आप लोग सुन सकते हैं, खड़ा होकर बोल सकूंगा। एक काम करवा लो, ये पर हमने बिल्कुल दिया है खाली, खड़े भी हो जाओ और बोल भी लो। नहीं अल्लाह, सबसे पहले तो मेरी तरफ से ये कि भाईजान और अजाला भाती दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो आज के दिन की, अल्लाह ताला उनको ऐसे बहुत सारे दिन दिखाए और हम सबके दरमियान इस तरह उन को हंसता चलता रखे। उससे नादिर भाई के साथ उनको मैं भाईजान बोलता हूँ, भाईजान भाईजान बोलते हैं लोग, तो इनके साथ मेरा बचपन से मेरा वक्त गुजरा काफ़ी बहुत, मैं इनके साथ क्लोज था शुरू से ही बचपन से, क्योंकि काफ़ी उम्र में बड़े थे तो टेक केयर करते थे, घूमना घुमाना फिराना ले जाना ले जाना उनका इधर, तो इनके साथ बोला अच्छा वक्त गुजरा बचपन से ही। और इतफाक से जब अमरीका आया तो यहाँ पर भी उनके साथ ही मैं था, और गजाला भाभी के साथ शादी जब हुई इनकी तो इतफाक से सबसे पहले मैं ही गजाला भाभी को देखने के घर गया था, नादिर भाई तो आए नहीं तो अमरीका में ही थे, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले देख के आ जाओ ना पसंद आया तो वही पहले गया था, पहले मैंने ग्रीन सिग्नल दिया तो फिर नाजमा शर्मा आता हूँ फिर। तो खैर शादी के बाद इतफाक से जब मैं अमरीका आया तो गजाला भाभी तो उस जमाने में पाकिस्तान में ही थी, नादिर भाई अकेले थे, तो मुझे याद है आज भी गजाला भाभी जब मुझे वीज़ा मिला तो मैंने आई घर आके बताया कि मुझे वीज़ा मिल गया मैं जा रहा हूँ, तो बहुत खुश हुए गजाला भाभी ने, फौरन फ़ोन किया नादिर भाई को बताया कि चलो फिर वो जा रहा है, और मुझे अभी भी वो बात याद है कि उन्होंने फौरन गजाला भाभी, फिर उनको तो याद नहीं होगा, गजाला भाभी ने फौरन मुझे कमरे में बुलाया और फौरन कुछ पैसे निकाल के दिए गए, ये टिकट के पैसे हैं जब जाओगे अमरीका तो ये टिकट मेरे पैसे लेके जाऊँ, तो जैसे भाई जैसा है। फिर अमेरिका आए तो यहाँ पर अशरफ भाई थे हमारे चीफ दोस्त हुआ करते थे, खाना पकाने इनकी जिम्मेदारी थी, नादिर भाई ने सारी वो लगाई हुई थी ड्यूटियाँ कि एक घर साफ करने की इनकी जिम्मेदारी है, और हम लोग बेडरूम शेयर किया करते थे, बेड एक ही एक का, इन्होंने अभी कहा इसका आप लोग सुबह तो नहीं निकालिएगा, बेड एक का मतलब ये है कि दिन में मैं वहाँ सोता था रात को वो सोते थे, क्योंकि हम लोग की होती थी ड्यूटियाँ, इनके नादिर भाई का ब्रुकलिन में स्टोर हुआ करता था तो 12-12 घंटे की ड्यूटी लगाते थे, इसलिए एक वक्त इसमें एक ही आदमी सो सकता था बेड से, ये इस बात को क्लियर करना बहुत जरूरी है सर, क्या बात था। अच्छा, और शादी में नादिर भाई की बहुत मजा रहा, सब लोगों ने बड़ा हंगामा किया, सब ब्यूटीफुल टाइम थे, अभी भी याद है मुझे वो। और उसके अलावा नादिर भाई के साथ यहाँ पर गजाला भाभी के साथ बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा, उन्होंने पूरी फैक्ट्री का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखा और अभी भी ख्याल रखते हैं हम लोग, इस्लामाबाद आ जाते हैं खाना खाने के लिए। और मैं एक जमाने में आर्मी भी ज्वाइन की थी तो मैं आर्मी में चला गया, तो मैं अपनी बेगम को गजाला भाभी और नादिर भाई के पास छोड़कर गया था, तो उन्होंने किस तरह से ख्याल रखा गजाला का, मुझे ये समझ में आया कि उन्होंने गजाला से बहुत काम लिया ताकि फिरोज के आने पर उसको कोई तकलीफ महसूस ना हो, उसको याद आए, अब उनसे ही पूछो। लेकिन मैं जरूर कहना चाहूँगी कि भाईजान और भाभी जो है वो बिल्कुल हमारे जैसे, खुद अब्बा जी के जाने के बाद माँ और बाप की जगह पे हैं हम लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा हम लोग सबका ख्याल रखते हैं, कोई भी मशवरा करना हो तो जरूर फोन करना। देखा पंगा लेने का ये मजा आ गया ना, और इसलिए बोला और इसलिए बोला कि वो पंगा ले लो। सुने भाई सुने, दादा भाई गए गए भैया, ट्रैक चला दो ना उसको यार, चल ना यार सामने देखे ना उनकी तरफ, मुझे नहीं देखो उधर, साली होती है आधी घर वाली।
वाली इशारा नहीं होता जब बेगम इतनी अच्छी है तो तेरा भाई कैसा आज से 20 साल बाद तुम्हारा क्या होगा चांद जी में खयाल